देख रहे हो तुसी, मैं हां नीलम शर्मा, बुलेटिन दा आगाज़ करांगे। संसद दा मानसून सैशन खत्म हो गया है, हुण विरोधी दल संसद दे बाहर सरकार नूं घेरन लई इकट्ठियां हो रही ने। विरोधी धिरां ने विजय चौक तो संसद तक पैदल मार्च कढ़िया। पैदल मार्च में राहुल गांधी समेत 15 पार्टियां दे आगू शामिल होए। कांग्रेसी आगू अधीर रंजन चौधरी तो साडे सहयोगी राकेश सिंह ने गलबात की। हमारे साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अधीर दा, आखिरकार विपक्ष को जो है संसद भवन से आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा भी है? ये मजबूरी है हमारा, लोगों को सामने कुछ बात तो रखना चाहिए। जब पार्टी करते हैं सदन के अंदर, हमारे बात को रखने का मौका नहीं दिया जाता, गला दबाने जाते, कोई मुद्दे पर हमें चर्चा करने का अधिकार नहीं दिया जाता। धड़ल्ले से एक के बाद एक बिल पास कराया जाता, हर 7 और 8 मिनट में एक एक बिल पास कराया गया। हमें चर्चा में भाग लेने का था लेकिन हमें भाग नहीं ले पाया, क्योंकि हम कुछ मुद्दे सामने रख के सदन चलाने की बार बार गुहार लगाई थी। हमारा सरकार के साथ, हमें किसान के मुद्दे को लेकर 3 किसान कानूनों को रद्द करने के लिए, कोविड के मुद्दा और तेल की इजाफे की जो आज लोग झेल रहे हैं सारे, और महंगाई के मुद्दे हम सामने रख के चर्चा करना चाहते थे, लेकिन बार बार हम गुहार लगाए थे कि शुरू में, क्योंकि ये देश की सुरक्षा की मसला है, शुरू में जासूसी कांड पेगासस को लेकर चर्चा की शुरुआत किया जाए। लेकिन सरकार का कहना है, यही मानता हमारा, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा की सवाल है, जहाँ न्यायपालिका से लेकर पॉलिटिकल पार्टी सबको इसमें घेर लिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान के आम लोगों को और निजता नहीं रहेगी, कोई आजादी नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार जिसको ऊपर चाहे सारे उनको ऊपर ये जासूसी कर सकते हैं। तो ये मसला इसराइल में आज तफ्तीश हो रहा है, जांच पड़ताल हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, जर्मन में हो रहा है, हंगरी में हो रहे हैं, लेकिन हमारी देश में इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा अगर ना होगा तो होगा कहाँ? लेकिन सरकार का कहना तो सबके लिए चर्चा की स्थान है। पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ा महापंचायत है, अगर पंचायत में हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाए तो हम कहाँ बोलेंगे? इसके खारे धूप खुले आसमान के तले, लेकिन धूप के सामने, धूप के धूप 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 में हम ये मेहनत करके पसीना निकल के आप लोगों के सामने। लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष का जो रवैया था वो ठीक नहीं था। सरकार तो सब कुछ कह सकते हैं, सरकार का रवैया क्या ठीक है? तो ये थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो सरकार का रुख था वो सही नहीं था, और इसी को लेकर उन्होंने यहाँ संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।